सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देख बुधवार को डीएम शशांक शुभंकर व एसपी विकास बर्मन अधिकारियों के साथ सड़क पर उतरे। दोनों अधिकारियों ने स्टेशन चौक, बस स्टैंड, गोला रोड आदि स्थानों पर रुककर लोगों से आह्वान किया कि कोरोना से जंग जीतने के लिए मास्क पहने, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि वह खुद दुकान पर मास्क का प्रयोग करे, बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ 3 दिनों के लिए दुकान सील कर दी जाएगी। साथ ही बिना मास्क के आए ग्राहक को सामान नहीं देने का आह्वान भी किया। डीएम व एसपी ने कहा कि लोग नहीं माने तो मजबूर होकर शहर में लॉकडाउन करना होगा। गत एक सप्ताह के दौरान शहर में कोरोना से 2 मौत के अलावा कई कोरोना मरीज मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है, जिस कारण शहर के मूलचंद रोड व सेक्टोली मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉक कर दिया गया है, जिससे दोनों मोहल्ला की दुकानें बंद है। मास्क को लेकर मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर पर अभियान चलाया गया है। शहर में सदर एसडीओ अशोक मंडल व डीएसपी प्रतीश कुमार के नेतृत्व में बिना मास्क घूम रहे लोगों को पकड़कर जुर्माना भी वसूल किया गया है। तेजी से फैल रहा है तो बहुत सारे दुकानदार भाई लोग अपने ग्राहकों को जागरूक करें कि वो लोग मास्क लगाएं। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको आप बहिष्कार करें, सामाजिक रूप से मना करें कि आपको हम सामान नहीं देंगे। जब तक आप लोग सामाजिक दायित्व को निभाते हुए उनको प्रेरित नहीं करेंगे, प्रशासन को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस महामारी से जीत नहीं सकते हैं। तो इसमें आप लोग का सहयोग बहुत आवश्यक है। तो आप लोग जितने भी ग्राहक आ रहे हैं उनको आप समझाएं कि वो मास्क लगा के ही बाजार में जरूरी सामान लेने आए, लॉकडाउन लगाने को। तो जैसे बस में कोई जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है तो मास्क लगा के रहे, जो दुकानदारी करने आ रहे हैं वो मास्क लगा के लगे लगे, नहीं तो हम लोग लॉकडाउन के लिए विवश हो जाएंगे। तो आप लोग प्रशासन को सहयोग करें ताकि हमें वो ऐसे कोई कड़ा कदम न उठाना पड़े जिसमें हमें दुकानें बंद करनी पड़े। तो आप लोग सहयोग करें, यही उम्मीद है। धन्यवाद। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मास्क के लिए 50 रुपए फाइन, जो मास्क नहीं ले पहन रहे उनके लिए 50 रुपए फाइन देना शुरू किया है। और दुकानों से हम लोगों ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि आप ऐसे किसी ग्राहक को दुकान में नहीं आने दें जो मास्क नहीं पहन रहा है। तो हम लोग फिर से आप लोगों से अनुरोध करने आए हैं, हमें दुकान सील नहीं करनी पड़े। अगर बार बार ऐसा मिलेगा हम लोगों की, हमारे लगातार कहने पर भी आप लोग दुकान में ऐसे ग्राहकों को आने दे रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हैं, तो हम लोग 3 दिन के लिए दुकान सील कर देंगे। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद से जागरूक करेंगे लोगों को, और जो मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं उनको अपने दुकानों में नहीं घुसने देंगे। धन्यवाद। और आप लोग की थोड़ी समझदारी, आपके थोड़े से लापरवाही के कारण जनता में भी संक्रमण फैलने का चांस है। तो आप लोग एक देखें कि जो भी आपके सवारी आपके यहाँ बैठ रहे हैं वो मास्क लगा के अंदर बैठे, जो भी सवारी मास्क लगा के नहीं बैठा हुआ है उसको आप टिकट नहीं काटें, उसको यात्रा नहीं करने दें। एक आदमी के गलती के कारण पूरे बस में जो लोग बैठे हैं सब पे संक्रमण फैलने का खतरा है। आप लोग इसको हल्के में नहीं लें। प्रशासन बहुत आप लोगों से अनुरोध कर रहा है, और अनुरोध करने के बाद आप लोग के अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो हम लोग तो नियम में कड़ाई करते हुए लॉकडाउन करने पे मजबूर कर देंगे आपको।